गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम ग्राउंड स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 11 अप्रैल की दोपहर बाद की ब्रेकिंग न्यूज है जो हम आपको अभी आपके सामने लेकर आए हैं। जो अभी जो विद्यार्थी हैं कुछ प्रभात सर से मिले हैं और उन्होंने आंसर की और रिजल्ट जारी होने का दिन भी फिक्स कर दिया है उन्होंने कि आंसर की कब जारी होगी और कब कैसे होगी और कितने नंबर पर होगी और किसके कितने नंबर बढ़ेंगे। ये सभी को वीडियो को आगे जारी रखने के लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, जिससे कि हम आप कोई वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों, दोपहर बाद की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि अभी जो है कुछ विद्यार्थी प्रभात सर से मिले हैं और उन्होंने बोला है कि सरकार अभी डबल बेंच जा रही है, सरकार के यहाँ भी डबल बेंच जा रही है और अभी हम कल को हम आंसर की जारी कर देंगे कि जो संशोधित आंसर की है उसे हम कल जारी कर देंगे और उसके आने के बाद में जैसे ही डबल बेंच से जो भी ऑर्डर आएगा हम उसके अनुसार ही हम रिजल्ट आउट करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आंसर के जारी होने पर इसमें ये इतना पता पड़ जाए किस व्यक्ति के कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, किस व्यक्ति के कितने बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लेकर चलते हैं नंबर मार्क्स पे कितने बढ़ रहे हैं। कम से कम दोस्तों मान के चलिए आप इसमें 5 से लेकर 6 तक इसमें प्लस मार्क्स मार्क नंबर होंगे आपके, मतलब आप कितने मार्क्स आपके इसमें बढ़ेंगे। जिनके 88 हैं वो अपने आप को कम से कम 92 या 93 मान के चलें, ठीक है दोस्तों। जिनके 87 हैं वो 91 या 92 अपने मार्क्स मान के चले, और जिनके 85 हैं तो वो अपने आप को 91 या 90 91 के आसपास मांग चले। तो दोस्तों ये मानना है कि नंबर सभी के 5 या 6 नंबर सभी के, मतलब वो प्लस होंगे, सभी के तो नंबर तो बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि कब और कैसे जारी होगा रिजल्ट। ये आपका डबल बेंच जाने के बाद रिजल्ट जारी होगा, जिसमें हम चलते हैं जनरल ओबीसी के कितने कितने पर सेफ हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको पहले भी एनालाइज करके बता चुका था कि जनरल जिसके 70+ हैं वो बिल्कुल सेफ है, क्या है वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है दोस्तों। और ओबीसी में जिनके जो है 65+ हैं वो सेफ हैं बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जिनके जो एससी वाले हैं, एससी वाले जिनके 55+ मार्क्स हैं वो भी सेफ हैं। और एसटी तो टोटल जो भी हैं वो टोटली सेव है, क्योंकि और आपको बता दें तो एसएम की जो संख्या है, एसएम की संख्या ज़्यादा नहीं है, 25 से लेकर 28 हज़ार तक की संख्या है, इससे ज़्यादा नहीं है। जो आपको बताते हैं ना कि 50 हज़ार 60 हज़ार इतनी नहीं है। तो दोस्तों ये जो न्यूज थी जो आपको इतने नंबर मिलेंगे और इतने भी और कहाँ तक एसटी का सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार अभी ये चुनावी माहौल है, अभी क्या सरकार ये चुनाव माहौल है, चुनावी माहौल को ध्यान रखते हुए कि सरकार किसी भी पक्ष को परेशान नहीं करना चाहती। वो ऐसी 23 मई तक का टाइम निकाल देगी और हो सकता है कि डबल बेंच ना जाए, क्योंकि जून में ही उसकी जो है 3 मंथ सरकार के पूरे हो जाएंगे, कि जो कोर्ट ऑर्डर आया हुआ था उसके 3 मंथ पूरे हो जाएंगे और 3 मंथ पूरे होने के बाद में सरकार फिर कोर्ट भी नहीं जा सकती। हो सकता है कि उसको 40 और 45 के पक्ष में ही इसको रिजल्ट आउट करना पड़े, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल को देखते हुए कि उनके 40-45 वाले खुश हैं कि सरकार भी डबल बेंच नहीं जा रही है और उनके 60-65 वाले खुश हैं कि सरकार ने बोल दिया कि हम डबल बेंच जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही जो भी अपडेट मिलेगी हम आपको तुरंत ही आप तक प्रोवाइड कराएंगे और जो भी पल पल न्यूज मिलते हैं हम आपको तुरंत ही आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों आपको वीडियो जारी रखने के लिए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। आप समझ चैनल से बने रहें। थैंक यू। आपका अपना भूपेंद्र सिंह।